सबको जय श्री राम। आज का वीडियो शुरू करेंगे। ये है दांचा बीज, ये 30 किलो का बैग है। एक बैग 1100 से ज़्यादा है इसका दाम सब्सिडी का, और 5 एकड़ के लिए ये 2 बैग काफ़ी है। आज ये बीज डालूँगा मैं। ये दांचा बीज दिखने में हरा छेना जैसा दिखता है ये, मगर इसको नहीं खा सकते। तो बहुत अच्छा है। आज 18 तारीख मई 2024 आज मैं वो बीज डालने वाला हूँ। इससे हजारों टन के खाद पैदा होता है, मतलब मैं जो पेड़ होगा फसल एक महीने के बाद ऐसा दिखेगा। उसको हम रोटावेटर डाल के उसमें मिलाना है, उसके बाद चावल डालना है। और आज 5 एकड़ का कल्टीवेटर डालना है। बीज डालने के बाद वो तैले है ना, उसमें 30 किलो का है, ऐसे 2 बैग लाया मैंने 5 एकड़ के लिए। और इसमें गाड़ी में तेल डालना है, डीजल। 5 एकड़ के लिए 10 लीटर का डीजल लगेगा, पिछले बार भी उतना ही लगा। 15 लीटर डाला तो उसमें 5 लीटर बचा था, और आज मैं 10 लीटर लाया। इस गाड़ी का खास यही है, ये 242 मॉडल है, एचआर में सिंगल पिस्टन वाला। ये ज़्यादा तेल नहीं पिएगा और बहुत माइलेज देगा। मेंटेनेंस भी फ्री है, रेडिएटर नहीं है, कूलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ये डिसाइड किए कि हर साल बारिश आने से पहले, मानसून आने से पहले ये बीज डालना है, और 2 महीने में ये बहुत 10 फुट तक वो फसल आएगा। उसके बाद उसको रोटावेटर डाल के पूरा मिलाना है, मिक्स पानी छोड़ के, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अभी मैं ये बीज डाल के पूरा कल्टीवेटर डालूँगा, और 2 महीने तक इंतज़ार करना है। आज मेरा काम पूरा हो गया, ये 5 एकड़ में बीज डालना हो गया, और इंतज़ार करना है और 1 महीना तक। इसके बाद मेरे को ऑफिस काम के लिए जाना है। मैं अपडेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।